तो आज सर्वे ट्रेनिंग का लेक्चर 8 होगा, जिसमें मैं आप लोग को ये समझाऊंगा अधिसूचना और उद्घोषणा, नोटिफिकेशन एंड प्रोक्लामेशन। अब इस चीज को समझते हैं कि जब सर्वे स्टार्ट होगा तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। स्टेट गजट में कहता है, द स्टेट गवर्नमेंट शैल एक्सप्रेस इन इंटेंशन टू कंडक्ट स्पेशल सर्वे एंड सेटलमेंट थ्रू पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। अब इसको ऑफिशियल गजट में सर्वे स्टार्ट होगा तो ऑफिशियल गजट में क्या होगा, इसको पब्लिश करना है। उसके बाद कहता है, क्या कह रहा है कि कॉपी टू, अब उसका कॉपी कॉपी टू द नोटिफिकेशन पब्लिकेशन अंडर द फॉर गोइंग रूल 3A शैल ऑल्सो बी फॉरवर्डेड टू डिफरेंट ऑफिस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इनेबल देम टू पुट देयर क्लेम ऑब्जेक्शन इफ एनी द रिस्पेक्ट टू द इंटायर ड्यूरिंग द स्पेशल सर्वे एंड सेटलमेंट ऑपरेशन सो डैट रिकॉर्ड ऑफ राइट ऑफ लैंड हेल्ड ऑन बाई देम करेंटली प्रिपेयर। ताकि अब देखिए, जो गजट का नोटिफिकेशन जारी हुआ उसका कॉपी राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के सभी विभागों में अब उसको जाकर के दिया जाता है, उस विभाग को दिया जाता है जिस जिला में हो रहा है, उस जिला के सारे विभाग जितने भी हैं, रेलवे के हैं तो रेलवे का लैंड है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, वाटर रिसोर्स का है, आरसीडी का है, बीसीडी का है, तो सारे विभाग में दे दिए कि आपके विभाग का जो भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, जो भी आपके यहाँ जहां जहां आपका है उसको आप सर्वे सेटलमेंट ऑफिस को आप दीजिए, ताकि उसका अधिकार अभिलेख अच्छे से तैयार हो सके, कोई भी चीज छूटे नहीं, टूटी नहीं रहा, सही तरीके से तैयार हो सके। ये तो हो गया नोटिफिकेशन, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे ऑफिस को पब्लिश करना है, देना है कॉपी। उसके बाद बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा जिस क्षेत्र में सर्वे स्टार्ट होना है वहां प्रोक्लामेशन मतलब उद्घोषणा करना है कि हमारे इस राजस्व ग्राम में संबंधित ए अमीन के द्वारा इस क्षेत्र में सर्वे स्टार्ट होगा। तो और इसका परपत्र वन में सर्वे सेटलमेंट ऑफिसर का भी साइन उसमें होता है, और परपत्र वन में अमीन साहब के द्वारा DLRS के वेबसाइट पे उसको क्या करना है, अपलोड करना है कि हम इस क्षेत्र में काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपको एक पावर होता है कि आप उस क्षेत्र में नापी कर सकते हैं, उसका बाउंड्री वेरीफाई कर सकते हैं, ये पावर आप में जांच करने की पावर हो जाती है। अब उद्घोषणा के उपरांत अमित साहब को क्या करना है, उस राजस्व ग्राम में उद्घोषणा का लेटर के साथ साथ आम सभा का लेटर बनवाना है, और वहां का कंसर्न जो भी मुखिया है, सरपंच है, वार्ड है, सभी को एक लेटर पब्लिश ऑफिस सेटलमेंट ऑफिसर का साइन, सर्वे सेटलमेंट ऑफिसर का साइन जिसमें रहेगा, ASO का सर्वे सेटलमेंट ऑफिसर का साइन रहेगा, जिसको हर एक पुलिस विभाग को देना है, मुखिया को देना है, सरपंच को देना है, अनबाट को दे देना है, और एक दो जगह उद्घोषणा का उपरांत आम सभा का सूचना गांव में चिपका देना है। उसके बाद आपको क्या हो? कि गांव में ये चीज सूचना दे देना है सारे रैयतों को कि यहाँ सर्वे स्टार्ट होने जा रहा है, आप अपना सारा कागजात, जो भी जमीन से कंसर्न कागजात है, उसको आप क्या कर ले, इकट्ठा कर ले, सारे व्यवस्थित कर ले, ताकि सर्वे हम करने आए तो आप सारे कागजात हमको प्रस्तुत दे देना है, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन करके आपको रैयत को देना है। जिसमें अब देखिए, उद्घोषणा के उपरांत अमित साहब को एक पावर है, शक्ति प्रदान होगी कि सर्वे प्रयोजन से किसी भी पेड़, जंगल, फसल व अन्न को
कर हटाने की अगर आवश्यकता होती है तो भूमि नापी हेतु उस भूमि को साफ करने की शक्ति प्रदान होती है उद्घोषणा को, उसका और उस पर कोई क्लेम भी नहीं। क्या कहता है कि अगर सर्वे सेटलमेंट के कोई अगर नेसेसरी हो तो उसको हटा सकते हैं, कटवा सकते हैं। हाउएवर नो क्लेम और ऑब्जेक्शनल एज टू कॉस्ट कैन बी क्लेम फॉर द एवव एक्शन, और उस पर कोई भी कॉस्ट का आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये हमारा फसल बर्बाद हो गया, क्योंकि सर्वे होना है तो अगर कुछ आपका अगर बाधा आ रही है उससे तो उसको आप हटवाने का आप बोल सकते हैं और उसको हटाना होगा क्योंकि बाधा उत्पन्न उससे हो रही है नापी में, तो वो चीज हटाना, और उसका कॉस्ट का क्लेम आप नहीं कर सकते हैं सरकार पे। उसके बाद की बात है क्या चीज कि अब सर्वे कौन सी प्रक्रिया के अधिनियम के तहत हमको करना है, तो चालू सर्वे एवं बंदोबस्त प्रचलनों का पुनर्गठन। अब क्या है रीऑर्गेनाइज ऑफ फॉरगोइंग सर्वे एंड सेटलमेंट ऑपरेशन, इसमें बोला गया है सरकार कार्यपालक आदेश द्वारा किसी भी जिला में चालू सर्वे एवं बंदोबस्त प्रचलनों को बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम 2011 के प्रावधानों के अनुरूप के लिए पुनः गठन करेगा। मतलब कि हमको अब सर्वे जो करना है 2011 बिहार बंदोबस्त सर्वे अधिनियम जो है 2011 के तहत करना है। बोला गया द गवर्नमेंट मे बी एक्सक्यूटिव ऑर्डर रीऑर्गेनाइज टू द ऑरिजिन और ऑनगोइंग सर्वे एंड सेटलमेंट ऑपरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट टू बीइंग, मतलब स्टार्ट करना इट इन कॉन्फर्मली विथ द प्रीवियस ऑफ द बिहार सर्वे सेटलमेंट एक्ट 2011, यानी उस प्रावधान के एक्ट सर्वे सेटलमेंट एक्ट 2011 के अनुरूप हमको कार्य करना है, जिसमें पुराना सर्वे का रिकॉर्ड से हमको नया सर्वे करना है। ठीक है, उसके बाद अब हम उद्घोषणा किए इसके अनुरूप हमको सर्वे स्टार्ट करना है 2011 के अनुरूप एक्ट के अनुरूप। अब उसके बाद रैयतों को सूचना हम दिए थे उद्घोषणा के उपरांत, आम सभा किए थे उसमें हम रैयतों को सूचना दिए थे, उसमें रैयतों को सूचना देकर के सारे कागजात के बारे में बता दिए। अब रैयत जो है सेल्फ डिक्लेरेशन करके, मतलब प्रपत्र 2 में स्व घोषणा देंगे और प्रपत्र 3-1 में वंशावली बना करके, अगर कोई खतियानी प्रॉपर्टी है तो उसके साथ सेल्फ डिक्लेरेशन यानी प्रपत्र 2 के साथ 3-1 भर के उनको जो आपके क्षेत्र के अमीन साहब है या फिर कंसर्न्स ऑफिस सर्वे का जो जहां पे शिविर का गठन किया गया है जहां पे सर्वे का कार्य उस ऑफिस में जाकर के आपको जमा करना है। अगर खतियानी प्रॉपर्टी, अगर उस प्रॉपर्टी को स्वयं सेल्फ खरीदे हैं तो केवाला आधार कार्ड और वो प्रपत्र 2 का फॉर्म जो सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है उसको भर के जमा करना है, और उस प्रपत्र 2 का सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है उसको 2 प्रति में ले जाना है। तो 2 प्रति में आपको ऑफिस में जमा करना है, 1 प्रति में आपको रिसीविंग दिया जाएगा कि आप का कागजात यहाँ जमा हो गया है, अब आपका रिकॉर्ड के लिए तैयार हम करें। अब उसका अब जांच भी हम लोग वंशावली 3-1 का शिविर प्रभारी बंदोबस्त पदाधिकारी सर्वे जो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के समक्ष संपर्क हम प्रस्तुत करेंगे और उसका वेरिफिकेशन अपना आम सभा करके किया जाएगा उसका। ठीक है, तो हमारा स्व घोषणा हो गया, दूसरा हो गया स्व घोषणा और प्रपत्र 3-1 जो वंशावली का फॉर्म है रैयतों द्वारा ऑफिस में या फिर सक्षम जो अमीन साहब है कंसल्ट अमीन साहब है जिस राजस्व ग्राम के उनको आपको जमा करना है। इसमें क्या किया गया है कि प्रपत्र 2 का 2 प्रति आपको लेके ऑफिस में जाना है, जिसमें 1 प्रति में आपको रिसीविंग मिलेगा, रिसीविंग प्राप्त किया जाएगा, और ये चीज जो है उद्घोषणा के उपरांत 30 दिन या फिर मैक्सिमम 15 दिन और एक्सटेंड का डेट देना है कि आप 30 दिन तक सारा कागजात जमा करिए। ऐसे जमा कागजात तो खाना पूरी तक होता है, अब खाना पूरी क्या है किस तवार क्या है सब चीज मैं बताऊंगा। तो उसके बाद अगला स्टेप मेरा क्या है, मतलब कि जब सर्वे स्टार्ट कर दिए एक्ट 2011 के तहत, उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन बाय लैंड होल्डर ऑन इट्स वेरिफिकेशन। अब लैंड होल्डर के साथ जो
कागजात दिया अपने अपने कागज, अब उसका वेरीफाई हम लोग करेंगे, उसका क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। अब उनको भर के देना है कौन सा कौन कौन सा, स्वघोषणा का फॉर्म प्रपत्र 2 देना है, प्रपत्र 3-1 जो है वंशावली आपको देना है, उनको देना है। और ये चीज को हम अब क्या करेंगे कि वंशावली शिविर प्रभारी अर्थात सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है और आम सभा करके इसको क्या करना है कि वेरीफाई, ताकि सर्वे स्टार्ट करने से पहले ये सब सारे कागजात हमारे पास आ जाए और उसकी वंशावली का भी वेरीफाई हम लोग आम सभा कर करके उस क्षेत्र में कर ले। सो घोषणा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी उपनियम 1 रीति को प्राप्त किया जाए और इसका सत्यापन संबंधित विभिन्न अधिकार अभिलेख भी इसको क्या करना है, इसके बाद इसका अधिकार अभिलेख हमको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब इसका सत्यापन कर तैयार करना है अधिकार अभिलेख, उसके बाद स्वघोषणा जिसे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा सुगंध अभिलेख अनुरूप विवाद एवं सत्यापित किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो सत्यापन नहीं होने के संक्षिप्त कारण उसका एक पृथक पंजी प्रपत्र 4 का संधारण, अगर कोई भी कागज का वेरीफाई नहीं हो पा रहा तो उसको प्रपत्र 4 में एक संधारण आप कर ले कि ये कागज विवादित, जो वेरीफाई हो गया उसको आप साइड कर ले, ताकि अब उसके बाद आप स्वघोषणा जब रहिए तो फॉर्म जमा कर दिया, सारा कागजात आपके पास आ गया, अब आप क्या करिएगा कि उसके बाद का प्रक्रिया जो होता है किस्त बार। अब स्वघोषणा और वंशावली आपके पास, उस राजस्व ग्राम का कागज आपके पास आ गया, सारा डॉक्यूमेंट आ गया, जो वेरीफाई हुआ हुआ, जो नहीं हुआ उसका कारण लिख करके प्रपत्र 4 में हमको एक रजिस्टर बना लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग किस्तवार करेंगे। किस्तवार मतलब कि हर एक पार्सल को हमको होल टू पार्ट में बाउंड्री वेरीफाई कर लिए, सारे क्षेत्र का बाउंड्री वेरिफिकेशन मेरा, उसके बाद कागज भी लेंगे और बाउंड्री वेरिफिकेशन हम कर लेंगे, जो एजेंसी के द्वारा मुस्तकिल फिक्स किया जाता है, फिक्स पॉइंट टाई पॉइंट से मिलाया जाता है, ये सब चीज़ बात सिंपल है, एटीएस के द्वारा मेजरमेंट कर करके हम त्रिसीमाना को खोजते हैं, मुस्तकिल को खोजते हैं। त्रिसीमाना मतलब कि 3 राजस्व ग्राम का जहाँ एक कॉमन पॉइंट होता है उसको त्रिसीमाना बोलते हैं, वहाँ से कोई फिक्स पॉइंट बनाते हैं तो त्रिसीमाना से कोई फिक्स पॉइंट मेरा टाई लाइन कहा जाता है। ठीक है, त्रिसीमाना से कोई फिक्स पॉइंट अगर मिलाते हैं तो उसको हम टाई लाइन कहते हैं, तो त्रिसीमाना से टाई लाइन हमको कोई भी फिक्स पॉइंट बना लेना है, हर एक राजस्व ग्राम में 10-15 फिक्स पॉइंट बना लेना है अगर बड़ा राजस्व ग्राम है तो, ताकि वहां से हमको मेजरमेंट करने में आसान हो, क्योंकि वहां पे हमको अगर हम फिक्स पॉइंट बना दिए तो हम किसी प्लॉट को इजिली हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बाउंड्री वेरिफिकेशन के बाद हम लोग त्रिसीमाना सारे चीज पॉइंट वेरिफिकेशन देख लिए, फिक्स पॉइंट बना दिए ETS के द्वारा, ETS कैसे वर्क करता है ये सारा चीज हम बताएंगे। इसके बाद का जो प्रक्रिया है मेरा प्रक्रिया है किस्तवार का, तो किस्तवार इस बार मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा हमारा किया जाना है, क्योंकि हवाई सर्वे के द्वारा पहले ही हर एक पार्सल का, हर एक राजस्व ग्राम का फोटो लिया गया है, वो सारा चीज दिख रहा, विजुअल है, सारा का पार्सल बना हुआ। अब अमीन साहब उस प्लॉट में जाएंगे और वेरीफाई करेंगे कि एक ही जगह अगर प्लॉट है रैयत का तो उसको एक पार्सल बना देंगे, ये सब वेरीफाई करके ये सब प्लॉट कटिंग करेंगे अमीन साहब, और जिसका पार्सल नहीं बना है उसका पार्सल बनाएंगे, जिसका पार्सल मतलब कि लैंड का मैप नहीं बना है तो किस्तवार के दौरान उनको वेरीफाई करके बनाना है, पार्सल भी बनाना है। तो बोला जाता है आधुनिक किस्तवार इस बार होना है, किस्तवार बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इस बार किया जा रहा है। ठीक है, तो किसी राजस्व ग्राम के किस्तवार क्रियावन आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से धरातल के भूखंडों के साथ राजस्व ग्राम का सीमांकन तथा स्थल वेरिफिकेशन किया जाना है, स्थल वेरिफिकेशन किया जाना है। ठीक है, स्थल वेरिफिकेशन किया जाना है किस्तवार में। उसके बाद क्या कहता है, क्या है मतलब वेरिफिकेशन, रेवेन्यू विलेज का हमको क्या करना है, कैरी आउट द प्रिपेयर मैप थ्रू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंक्लूसिव ऑन द बेस ऑफ मैपिंग
डिमार्केशन ऑफ प्लॉट एज वेल एज रेवेन्यू विलेज एंड ग्राउंड वेरिफिकेशन। तो ग्राउंड वेरिफिकेशन हमको क्या करना है, किश्तवाड़ में कर लेना है। उसके बाद मेरा क्या है कि राजस्व मानचित्र भूखंड की सघनता को दर्शाना है कि कौन सा आबादी है, कौन सा गैर आबादी का, अगर आबादी। उसके बाद किश्तवाड़ में हमको आबादी भी काट लेना है, ताकि आबादी हमको काट लेना है मैप पे, ताकि उसका अलग मैप बन के आए। क्योंकि आबादी में हमको बहुत सारा पार्सल छूट गया, तो उसको हमको अगर वो 32 के स्केल पे हो तो उसको 32 के स्केल पे अब हमको डिमार्क कर देना है कि इतना इतना आबादी है, यहाँ सरकारी लैंड है, उसको हमको क्या करना है किश्तवाड़ में डिमार्क कर देना है मीन साहब को प्लॉट पे जाकर के, नक्शा पे डिमार्क कर दिए। अब उसको एजेंसी वाले एक नया मैप बना करके देंगे, जिसको हम डिमार्क किए उसको एक अलग नया मैप आबादी और एक गैर आबादी छाट करके हमको बना करके देंगे, क्योंकि आबादी हम उसमें काट दिए। तो गैर आबादी जो होगा उस 16 का स्केल में होगा, आबादी गैर आबादी 16 का स्केल में होगा, मतलब 1:16 का स्केल में होगा, और जो आबादी वाला क्षेत्र होगा वो 32 और 64 के स्केल में होगा। 32 अगर ज्यादा अगर आबादी है और बहुत घनी आबादी है, तो बहुत घनी आबादी 64 के स्केल में बना करके एजेंसी वाले देंगे, और अगर थोड़ा मध्यम है तो 32 के स्केल में आपको पार्सल बना करके मिलेगा, ताकि प्लॉट आपको मेजरमेंट करने में इजीली होगा, बड़ा बड़ा पार्सल मिलेगा। और गैर आबादी खेत वगैरह में तो उतना ज्यादा परेशानी होती नहीं है। तो सारा डिमार्क करना है किश्तवाड़ में। किश्तवाड़ मतलब किश्तवाड़ प्रत्येक प्लॉट का हमको देखना है, प्रत्येक प्लॉट देखना है किस्त होल टू पार्ट में, पहले बाउंड्री फिर पार्सल, ठीक है, किश्तवाड़ होल टू पार्ट में, जिसमें मानचित्र का सत्यापन जो है सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी उपलब्ध सारे मैप वगैरह उपलब्ध करवाएंगे और उसका सत्यापन करेंगे, और मानचित्र का 100% भूखंड का सत्यापन अमीन द्वारा किया जाएगा, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा 1% या 2% वेरिफिकेशन किया जाएगा, कानूनगो के द्वारा 25% तक वेरीफाई किया जाएगा जो आप काम किए, ठीक है, 1-2% रैंडमली सहायक, क्योंकि उनको बहुत सारे मौजा देखना होता है तो वो और भी काम होता है, तो 1-2% रैंडमली वो जांच करेंगे, 25% कानूनगो और 100% आपको अमीन साहब पूरा प्लॉट वेरीफाई करेंगे, ठीक है। मानचित्र का सत्यापन विगत सर्वे का मानचित्र से तुलना के साथ विद्यमान भूखंड का रकवा चौहद्दी स्थल सत्यापन इसमें करना है, ठीक है। ये चीज जो है राजस्व ग्राम के मानचित्र सत्यापन प्राप्ति की तिथि से 30 कार्य दिवस के अंदर इसको पूर्ण करना है, 30 कार्य दिवस के अंदर इसको क्या करना है कि पूर्ण करना है किश्तवाड़ की प्रक्रिया। किश्तवाड़ का हम प्रक्रिया को पूर्ण कर लिए, हमारा मैप अब अलग अलग आबादी का अलग कट के आ गया, गैर आबादी का अलग नक्शा मेरे पास आ गया, तब हम फिर से एक ग्राम सभा करेंगे और फिर से रैयतों को बोलेंगे कि आप सारा कागजात हमको प्लॉट पे दिखाइएगा, अपने अपने प्लॉट पे पार्सल लेकर के जाएंगे, कागजात ले जाएंगे, और उसका अब हमको खाना पूरी के दौरान हमको रिकॉर्ड तैयार करना होता है, खाना हर एक अब हमको खाना पूर्ति करना होता है, खाना पूर्ति मतलब अब हमको हर एक पार्सल का जो हम प्लॉट कटिंग किए थे हर एक पार्सल का नंबरिंग करेंगे, मतलब हर एक खाना को भरेंगे, अब नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम यदास पंजी का साधारण करते हैं कि प्लॉट पे जो कागज जो रैयत के द्वारा कागजात हमको दिया गया, पहले तो नक्शा पे नंबरिंग करेंगे, उसके बाद जो हमको कागजात दिया गया उसको हमको वेरीफाई करके यदास पंजी में उसका संधारण करना है खानापुरी के दौरान। तो खानापुरी में संबंधित जिला एवं बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा राजस्व ग्राम खानापुरी दल का गठन किया जाएगा। अब खानापुरी दल के गठन में कौन कौन होते हैं, खानापुरी दल का गठन 3 लोग उसमें होते हैं, पहला होते हैं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे, कानूनगो होंगे और अमीन। तो खानापुरी दल में मेरे 3 लोग होंगे, अमीन होंगे, कानूनगो होंगे और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे। तो
तो खानापुरी दल का गठन संबंधित जिला के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। मतलब कंसीडर ऑफ खानापुरी शैल बी पब्लिश कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट गजट। अब इसको खानापुरी जो होगा डिस्ट्रिक्ट गजट में इसको पब्लिश किया जाएगा। खानापुरी दल के गठन में कौन कौन होंगे? सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी यानी विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे, कानूनगो होंगे और अमीन होंगे, यानी विशेष सर्वेक्षण अमीन होंगे, ठीक है। और इसको जिला पदाधिकारी के द्वारा वहां के जिला गजट में उसको पब्लिश भी होना है, ठीक है। अब खानापुरी कार्य में हम लोग क्या करते हैं? खानापुरी कार्य में हम लोग पहले तो ग्राम बार तेरीज ये सब, अब तेरीज लेखन ये सब बताएंगे। खानापुरी में हम लोग खाना पूर्ति करते हैं और यदास पंजी का और खेसरा पंजी का संधारण करते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि ताकि आपको अच्छे से लिख करके बताएं और समझाएं। तो ये अगले क्लास में मैं आप लोग को अगले वीडियो में मैं स्मार्ट बोर्ड पे सारे चीज को मैं अच्छे तरीका से बताऊंगा। किस्तवाड़ एक अलग टॉपिक है, खानापुरी एक अलग टॉपिक है, ये सब प्रोसेस है कि क्या क्या बताया। पहले सर्वे स्टार्ट होगा तो नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद उद्घोषणा होगा, उसके बाद किसके तहत हमको काम करना है, कौन सा एक्ट के तहत काम करना है, 2011 एक्ट के तहत बिहार सर्वे विशेष सर्वेक्षण 2011 एक्ट के तहत कार्य करना है, उसके बाद की प्रक्रिया क्या हुआ कि बाउंड्री वेरिफिकेशन वगैरह कर लिए, बॉन्ड मुस्तकिल फिक्स कर दिए, फिक्स पॉइंट हम कर दिए, उसके बाद हमको किस्तवार करना है होल टू पार्ट में, प्लॉट वेरीफाई करके किसका कहाँ पे, उसमें आबादी और गैर आबादी के हम भूमि को क्या करना है नक्शा पे काट देना है, ताकि हमारा अलग अलग पार्सल अलग अलग मैप आबादी का अलग बन के और गैर आबादी का अलग बन के है। तो ये सब चीज हमको किस्तवार में ये कार्य 30 दिन के अंदर करना है, 30 दिन करना होता है किसी भी राजस्व ग्राम में। उसके बाद खाना पूर्ति होता है, खाना पूर्ति में हम हर एक पार्सल को भरते हैं, हर एक पार्सल का नंबरिंग करते हैं, उसके बाद यदास पंजी का संधारण करते हैं, खेसरा पंजी का संधारण करते हैं। खानापुरी दल में कौन कौन होंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी जाएगा। खानापुरी दल में ये सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो होंगे, विशेष सर्वेक्षण अमीन होंगे। तो खानापुरी दल के गठन में कितने लोग होते हैं? 3 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 3 लोग। समझ गए हैं आप होंगे आप लोग। और इसको जिला पदाधिकारी के द्वारा वहां के गजट में, जिला गजट में भी इसका पब्लिकेशन होना होता है। तो उसके बाद खानापुरी के बाद हमारा मेरा LPM बन के आता है, खेसरा LPM बन के आता है। उसके बाद हम रैयतों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सरकारी भूमि को CO को देते हैं। उसके बाद उस पर दावा आपत्ति होता है, प्रपत्र 8, उसका सुनवाई होता है 9 में, प्रपत्र 9 में उसका हम उसको रिसीविंग देंगे, उसके बाद उसका सुनवाई होगा। प्रपत्र 8 का सुनवाई में जितना फिर आपत्ति दिए हैं उसका सुधार होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप, उसके बाद प्रपत्र 8 का सुनवाई हो गया, किसी का गलत है तो सुधरवा सकते हैं, उसमें भी अगर नहीं सुधरवा पाए तो फिर प्रपत्र 14 का मतलब होगा, प्रपत्र 14 रैयतों द्वारा भर के दिया जाएगा, प्रपत्र 15 उसका रिसीविंग, फिर प्रपत्र 14 का सुधार होगा, सुधार किया जाएगा, उसका सुनवाई होगा, उसमें सुधरा तो ठीक है, नहीं तो फिर रैयत द्वारा प्रपत्र 21 में दिया जाएगा। प्रपत्र 21 के बाद फिर मेरा ROR पब्लिकेशन हो जाता है। तो एक कुछ फिर विश्रांति इसके उपरांत, उसके बाद प्रपत्र 8 के बाद एक पहला विश्रांति होता है, प्रपत्र 2 के बाद फिर दूसरा विश्रांति होता है। तो ये सब प्रक्रिया है सर्वे का। तो ये सब अलग टॉपिक है, जैसे किस्तवाड़ एक अलग टॉपिक है, खानापुरी एक अलग टॉपिक है, विश्रांति एक अलग, तो सारे टॉपिक को मैं टॉपिक वाइज बताऊंगा। तो ये था कुछ संक्षिप्त जानकारी सर्वे का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।